Jai Matadi friends, today we are going to talk about a novel by R.K.Narayan, The Bachelor of Arts. As we know, Bachelor of Arts means BA. And R.K.Narayan ka ye jo novel hai, published hua tha 1937 mein. And as we know, R.K.Narayan बहुत ही famous writer हैं और इनका ये mostly अपने जो novel की setting जो है वो मालगुड़ी नाम की एक fictional town में रखते हैं. तो इसमें भी मालगुड़ी के ही एक college student की life है, चंद्रन की life के बारे में है. और इसमें आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्रायोलॉजी में पब्लिश हुआ था, मतलब इसके पहले भी स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल आया था R.K.Narayan जी का, और उसके बाद में द बैचलर ऑफ आर्ट और उसके बाद में द इंग्लिश टीचर. इसमें जो चंद्रन के लाइफ के अलग अलग फेसेस की बात की है कि पहले एक स्टूडेंट होता है, फिर एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, फिर उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है, हम उसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि इनके कैरेक्टर्स की. और ये जो नोवेल है फ्रेंड्स, ये सेमी ऑटोग्राफिकल है, मतलब R.K.Narayan जी ने जिस तरीके से चंद्रन को लिया है, इसके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उसी तरीके से R.K.Narayan जी के भी थे. तो सेमी ऑटोग्राफिकल कहा जाता है इस नोवेल को. और चंद्रन जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट है बीए हिस्ट्री का एल्बर्ट मिशन कॉलेज का, और वहीं पे उसका भाई भी पढ़ता है, चंद्रन का यंगर ब्रदर सीनू. उनके फादर का नाम है वेंकटाचला अय्यर, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं. जो नातेशन एक द यूनियन सेक्रेटरी हैं इनके कॉलेज में. प्रोफेसर राघवाचार जो हैं वो चंद्रन के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर. मिस्टर ब्राउन प्रिंसिपल हैं एडबर्ट मिशन कॉलेज जिसमें पढ़ते हैं, मतलब ये कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे. अब रामू और मोहन की बात करें तो रामू तो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं इनका, और मोहन उनसे भी बाद में फ्रेंडशिप होती है और इनकी चंद्रन की. और मालती वो लड़की है जिससे मैंने कहा है कि फर्स्ट टाइम वो अट्रैक्ट होता है और जिससे वो शादी करना चाहता है, मतलब चंद्रन फॉल्स इन लव विद हर एट हिज फर्स्ट साइट. कृष्णा अय्यर की बेटी हैं ये मालती जो हैं. और सर गणपति शास्त्रीगल और श्रावतीगल जो हैं ये दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं. जब इनकी शादी की बात आगे बढ़ती है चंद्रन और मालती की, उस टाइम पे इन दोनों का जिक्र होगा कि ये एस्ट्रोलॉजर उनकी हॉरोस्कोप जो है वो मैच करेंगे. कैलाश जो है वो आप ये कह सकते हो कि खुद को फोर्स करता है, चंद्रन पे थोपता है कि अपनी फ्रेंडशिप को, कि मतलब वो उसको इतना लाइक नहीं करता लेकिन वो उसको मतलब अपने साथ में घुमाता फिराता है जब वो मद्रास जाता है. सुशीला नाम की जो लड़की होती है एट द एंड चंद्रन की उससे शादी होती है, जो जयराम अय्यर की बेटी होती है. अब हम बात कर लेते हैं हमारे नोवेल की स्टार्टिंग से. तो जैसा कि मैंने बताया, चंद्रन जो है एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, अपने फादर जो हैं, अपना भाई जो है उनसे काफ़ी अटैच्ड है. और यहाँ पे इनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी पढ़ाई में हैं, और एग्जामिनेशन जैसा कि इनको लग रहा है कि अब आने वाले हैं तो उनकी प्रिपरेशन में भी लगा है. और दूसरी तरफ उससे पहले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से पहले इनके जो स्टार्टिंग में जब नोवेल स्टार्ट होता है तो इनका एक यूनियन डिबेट होती है कॉलेज की, और उसमें सेक्रेटरी नातेशन जो है वो उसको ये कहता है कि तुम इस टॉपिक के ऊपर डिबेट बोलोगे, हिस्टोरियंस शुड बी स्लॉटर्ड फर्स्ट. अब आप सोचो कि ये हिस्टोरियंस किस अगेंस्ट में कैसे बोलेगा जब ये खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट है, और इसका प्रोफेसर राघवाचार जो है इसको वो कैसे फेस करेगा चंद्रन. उसको डर लगता है कि प्रोफेसर मुझे क्या कहेंगे. लेकिन यहाँ पे नातेशन उसे समझाते हैं जो यूनियन सेक्रेटरी हैं कि हम तुम्हारे प्रोफेसर को इनवाइट ही नहीं करेंगे डिबेट में. और मिस्टर ब्राउन जो प्रिंसिपल हैं एडवर्ड मिशन कॉलेज के, वो मतलब वो आएंगे, और जब वो डिबेट बोलता है इस टॉपिक पे तो वो एक्चुअल में वो बहुत अच्छी बोलता है, और इसीलिए ऑफर किया होता है नातेशन ने उसे. तो सब लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं. और उसके बाद में जो जो उनकी डिबेट के बाद में मिस्टर ब्राउन जो हैं प्रिंसिपल, वो अपनी स्पीच देते हैं. अब सब बहुत खुश होते हैं जो चंद्रन जो हैं उसने फाइनली बहुत अच्छी डिबेट बोली है. अब यहाँ पे चंद्रन जो है वो डिसाइड करता है कि वो इस खुशी को सेलिब्रेट करेगा. वो अपने फादर से परमिशन लेता है और रामू के साथ में वो आउटिंग पे जाने की डिसाइड करता है, मतलब वो उसके साथ में सिनेमा वगैरह देखने का की सोचता है.
अब क्या होता है उसके बाद में, मतलब मोस्टली वो रामू के साथ ही सिनेमा जाना हो या रिवर के पास में घूमना फिरना हो, कुछ भी करना हो, वो उसी की कंपनी ज़्यादा पसंद करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे R.K.नारायण जी ने ऑटोग्राफिकल सेमी ऑटोग्राफिकल टच दिया इस नोवेल में, तो उसी तरीके से उनके भी एक फ्रेंड थे जिसको वो रामू कहते थे, रामचंद्र राव। अब यहाँ पे जो है कि वो मतलब उनका जो फ्रेंड था छोटा और मतलब बहुत अच्छा हंसी मजाक वाला फ्रेंड था, तो उसको अच्छा लगता था उसके साथ में ही घूमना फिरना चंद्रन को। अब चंद्रन जो है मोस्टली उसके पास में रामू आता भी था, पढ़ने के लिए भी आता था, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अभी वो सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि साथ ही साथ में उसको बाद में एक और ऑफ़र आता है कि उसको ये कहा जाता है, उसका जो हिस्ट्री का प्रोफेसर होता है प्रोफेसर राघवाचार, वो उसको ये कहते हैं कि तुम एक हम हिस्ट्री हिस्टोरिकल एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं और तुम्हें उसका मतलब उसका चंद्रन का नाम है एज ए सेक्रेटरी दिया होता है कि उनको सेक्रेटरी बनाया जाएगा। तो इस तरीके से वो जो हैं वो अपने कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिस्टोरिकल एसोसिएशन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो है कि चंद्रन जो है वो उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, नातेशन जो हैं उनके हेल्प करते हैं इसमें एसोसिएशन के सेक्रेटरी बनने में और इसको एसोसिएशन हिस्टोरिकल एसोसिएशन को बनाने में, इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो इनॉग्रल फंक्शन भी हो जाता है इस एसोसिएशन का, और उसके बाद में यहाँ पे चंद्रन को लगता है कि अब उसको अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। और जब वो वहाँ पे जाता है इनॉग्रेशन में, उस टाइम पे उसे एक पर्सन मिलता है मोहन, वो जो एक पोइट होता है, और बाद में इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि रामू उसका स्टार्टिंग से ही बहुत इनसेपरेबल फ्रेंड होता है, लेकिन बाद में मोहन से दोस्ती हो जाती है। और चंद्रन जो है अब अपने एग्जामिनेशंस पे ध्यान दे रहा है। अब टाइम जो है वो चला जाता है, यहाँ पे उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो रही हैं और चंद्रन ने ये रियलाइज़ किया कि अब क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं स्टडीज़ कंप्लीट करूँगा अपने यहाँ से, उसके बाद में मुझे इंग्लैंड जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए, मुझे वहाँ पर रिसर्च की डिग्री चाहिए जिससे कि मैं आगे इन फ्यूचर अच्छा कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे उनकी लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे क्या होता है कि ये सब कुछ सोच रहे होते हैं और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एक छोटा सा कॉमिक सीन भी आता है यहाँ पे कि वो जब तैयारी करते हैं वहाँ पे उनकी मदर एक प्रॉब्लम लेके आती है कि हमारे गार्डन के फ्लावर्स जो हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब कोई उसे तोड़ ले जाता है, तो वो कौन कल्प्रिट है जो ये काम करता है। तो वो फ्लावर थीफ को ढूंढ मतलब उसको पकड़ने के लिए वो बहुत सुबह सुबह बैठ जाते हैं इस चीज़ में कि 4:30 पे ही बैठ जाते हैं कि जैसे ही वो कल्प्रिट आएगा फ्लावर्स चुराने के लिए तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वो फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ता उसकी मदर की पूजा पाठ के लिए भी। लेकिन जब मतलब जब मॉर्निंग होती है डॉन से फिर मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग में वो जब मॉर्निंग की लाइट में देखते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो तो ऑलरेडी गायब हैं, मतलब हमें और जल्दी उठना पड़ेगा। तो सेकंड डे वो 4:00 उठते हैं और बाद में पता चलता है कि एक सन्यासी है जो उनके फ्लावर्स लेके जाता था। तो यहाँ पे मतलब इस चीज़ को भी दिखाया गया है कि इंसान भगवान से डरता है। वो फ्लावर्स जो हैं वो सन्यासी लेके जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल भी जैसा वो डिसाइड कर रहे थे कि बिल्कुल हम उनको उसको कदमों में डाल देंगे, उसको हम पकड़ेंगे कल्प्रिट है कौन और इस तरीके की बातें करते हैं, और बाद में जब पता चलता है सन्यासी है वो कोई, तो उनका एकदम हार्ट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये छोटा सा इंसिडेंट दिखाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही चंद्रन अब डिसाइड करता है कि मुझे इंग्लैंड जाना है, सारा मतलब एजुकेशन कम्प्लीट हो गई है और उसके बाद में मुझे लेक्चरशिप करनी है मतलब रिसर्च डिग्री के बाद में, तो यहाँ पे वो जब एक बार बाहर जाता है घूमने के लिए और वहाँ पे देखता है सरयू नदी के पास में कि एक मालती नाम की एक लड़की है जो अपने यंग कंपेनियन के साथ में वहाँ पे घूमने के लिए आती है। अब चंद्रन जो है उसको मतलब देखते ही उससे प्यार हो जाता है और वो वहाँ पे रोज़ आती है और चंद्रन भी वहाँ पे जाता है उसको देखने के लिए। अब इस ये चीज़ कब तक कंटिन्यू रहेगी, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ अगर लाइफ को आगे बढ़ाना है और मैं इसको सच में लाइक करता हूँ तो घर पे बात करनी पड़ेगी।
अब वो वहाँ पे क्या करता है, लेकिन बात करने से पहले उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि उसको एक दिन फॉलो करता है उसको, और एक मिल स्ट्रीट में घुसती है वो, और बाद में उसको पता चलता है कि उसका फ्रेंड मोहन जो है वो भी वहीं रहता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट उसके घर के। तो वहाँ पे वो मोहन के यहाँ पे जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में गर्ल कौन है, कहाँ से बिलोंग करती, क्या कास्ट है, इस तरीके की चीज़ें। तो बाद में उसे पता चलता है कि इस गर्ल का नेम मालती है और ये अनमैरिड है, मिस्टर कृष्णा अय्यर की बेटी हैं। तो इस तरीके से जो कृष्णा अय्यर हैं ये हेड क्लर्क हैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस में, और इस तरीके से मतलब ये इन्फॉर्मेशन निकालता है। और सबसे अच्छी चीज़ तो उसको तब लगती है जब उसको ये पता चलता है कि ये भी अय्यर फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चंद्रन जो है वो अपने जो डिज़ायर्स हैं वो अपने फादर को बताता है, उसके फादर जो उसकी मदर से बात करते हैं, उनकी मदर से बात करते हैं तो उनकी मदर को अच्छा नहीं लगता कुछ खास, क्योंकि उसकी मदर को सबसे पहले तो वो ये कहती है कि मतलब डॉरी वगैरह, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसकी। और उसके बाद में वो ये भी कहती है कि हॉरोस्कोप वगैरह मैच करो, तो हॉरोस्कोप जब मैच किया जाता है वो एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, मतलब हॉरोस्कोप को पहले तो एक्सचेंज होते हैं, उसके पास जो हैं मालती के हैं वो चंद्रन के घर पे आता है हॉरोस्कोप, और चंद्रन का हॉरोस्कोप मालती के यहाँ पे जाता है। मालती के जो फादर हैं कृष्णा अय्यर, वो एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं श्री गणपति शास्त्री गल को, और उससे बात करते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो चंद्रन है वो मांगलिक है, और जब किसी मांगलिक से शादी करेंगे तो उनको कृष्णा अय्यर को ऐसा लगता है कि उसके बाद में उसकी बेटी को ख़त्म हो सकती है, मतलब उन जो कपल है उनमें से जो मांगलिक नहीं होता है उसकी लाइफ अफेक्ट होती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कृष्णा अय्यर इस चीज़ पे क्या कहते हैं कि उनको ये रिश्ता अच्छा लगता है लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी बेटी की लाइफ से। तो वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि वो मना करते हैं, लेकिन इस चीज़ से चंद्रन को बहुत बुरा लगता है, चंद्रन को ऐसा लगता है कि कोई भी हो इस मैटर को सॉल्व शॉर्ट आउट करो, कुछ तो मतलब ऐसा होगा जिससे कि कुछ सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ पे एक और जो एस्ट्रोलॉजर हैं, एक लर्न एस्ट्रोलॉजर हैं श्रावतीगल, उनसे बात की जाती है। श्रावतीगल को यहाँ पे बुलाते हैं चंद्रन के घर पे, और यहीं पे कृष्णा अय्यर को बुलाते हैं, और वहाँ पे वो ये भी बताते हैं श्रावतीगल जो हैं कि 20 में इनके हॉरोस्कोप का ये जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और एज 20 होने वाली है चंद्रन की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कृष्णा अय्यर को, जैसा कि मैंने बताया, अपनी बेटी को लेके डर है उसको, तो वो मना कर देता है, मतलब ब्राइड साइड से मना हो जाती है रिश्ते के लिए। और यहाँ पे जो चंद्रन है वो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसको लगता है कि मेरी लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, और वो अपनी लाइफ ख़त्म करना भी चाहता है। यहाँ पे जब बाद में तो बिल्कुल ही उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है जब उसे ये पता चलता है कि मालती की शादी कहीं और हो गई है। अब यहाँ पे वो इतने दुखी हैं कि वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ कहीं और, जहाँ पे उनको स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाना था वहाँ पे तो वो नहीं जाते हैं। और उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं मुझे मद्रास जाना है, उनके कज़िन हैं अंकल वगैरह के पास में, ठीक है। यहाँ पे ये डिसाइड होने के बाद में वो चला भी जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वहाँ पे उनके अंकल के यहाँ पे नहीं जाता है, उल्टा वो और किसी जगह पे जाता है, क्योंकि वो अंकल के यहाँ पे जाने के लिए नहीं निकला था, क्योंकि वो कोई भी चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो कोई और जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे कोई नहीं हो, अलोन, वो कुछ और करना चाहता था, पीस चाहता था अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे वो अपने फादर से पैसे भी लेकर गया था 50 रुपीज़, और उसके फादर ने ये भी कहा था कि और ज़रूरत हो तो और मंगवा लेना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई रिस्पांस नहीं आता, ना बेटा वापस आता है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि वो जैसा कि मैंने बताया था कि वो अंकल के यहाँ पे नहीं जाते हैं, तो उसकी कोई न्यूज़ नहीं होती है उनके पास में। अब वहाँ पे उसको क्या एक पर्सन मिलता है, कैलाश। कैलाश जो है उसको मतलब फोर्स करता है फ्रेंडशिप के लिए, मतलब मैं तुम्हें सिटी घुमाऊँगा, उसके साथ में काफ़ी प्लेसेस पे जाता है, होटल्स में, बार में, वहाँ पे वो मतलब ड्रिंकिंग वगैरह भी करता है, लेकिन चंद्रन को भी फोर्स करता है। लेकिन चंद्रन ने कहा कि मैंने अपनी मदर को प्रॉमिस कर रखा है कि वो कभी
शराब को हाथ नहीं लगाएंगे तो वो नहीं पी सकते। तो कैलाश जो है वो तो पीते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, उसके बाद में प्रोस्टिट्यूट के यहाँ पे जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के कैलाश का जो कैरेक्टर है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाया होता है, तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगता उसकी कंपनी में, कैलाश की कंपनी में। और कुल मिला के वो वहाँ से निकल जाता है, यहाँ तक कि अपना लगेज भी नहीं ले लेता। और वहाँ से निकलने के बाद में वो जाता है एक बार्बर के पास में। बार्बर जो है कपिलेश्वर टेम्पल है, वहाँ पे एक बार्बर है, उसको कहता है कि मुझे सन्यासी बनना है और तुम मुझे एक काम करो, मतलब मेरे बाल वगैरह काट दो और इस तरीके से सन्यासी वगैरह बिल्कुल बना दो, और कपड़े वगैरह हैं वो भी दे दो, उसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा। जो बार्बर है वो उसे मना भी करता है कि जो तुम बहुत यंग हो, नहीं जाना, मतलब नहीं बनना चाहिए तुम्हें सन्यासी, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो पहले तो वो बिजवाड़ा के लिए टिकट लेता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मुझे नहीं जाना है ऐसी जगह पे, फिर वो उसको लगता है कि मुझे कहीं और जाना है, तो मायलापोर जाता है वो। और वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कपिलेश्वर टेंपल में, वहाँ पे कि मैं यहाँ पे साधु सन्यासी बनूँगा। अब साधु सन्यासी बनने के लिए वो सारी चीज़ें उसकी प्रिपेयर हो चुकी हैं, और अब वो निकल जाता है, मतलब पैदल पैदल डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, प्लेस टू प्लेस जाता रहता है। जब वो थक जाता है तो मतलब सन्यासियों की जैसे लोग बाग हेल्प करते हैं और उनको लगता है कि रिस्पेक्टेबल होते हैं वो, तो उनकी जब वो थका हुआ होता है तो लोग उसे लिफ्ट भी दे देते हैं। लेकिन और टाइम के साथ में जैसा कि उसने शेविंग करवाया था, हेड को शेव करवाया था, लेकिन अब क्या है बहुत ज़्यादा जो बियर्ड वगैरह है वो बढ़ गई है, उसके हेयर्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे वो 8 मंथ्स तक ऐसे चलता रहता है, वंडर करता रहता है यहाँ से वहाँ। बाद में वो उसको ऐसे लगता है कि मुझे अब ये सन्यासी लाइफ जो है वो मुझे नहीं जीनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के पास में वापस जाना है। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कुल मिला के तो उसको ये था कि मेरे साथ जो हुआ या पेरेंट्स किसी की वजह से भी हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो क्लोथ्स होते हैं वो सन्यासी की, वो त्याग देता है और उसके बाद में वहाँ से निकल जाता है। सॉरी फ्रेंड्स। फिर वो एक मधुरम नाम की जगह पर पहुँचता है, वहाँ पर एक पोस्ट मास्टर से मिलता है। उस पोस्ट मास्टर के हेल्प से वो पैसे मंगवाता है एक वायर के थ्रू अपने फादर से, 25 रुपीज़ मंगवाता है, लेकिन उसके फादर जो है वो उसको 50 रुपीज़ भेजते हैं। अब क्या होता है, वो फाइनली पैसे इसीलिए मंगवा रहे थे क्योंकि उसको वापस मालगुडी जाना था। फाइनली जो चंद्रन है वो मालगुडी पहुंच जाता है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जैसा कि नॉर्मल सी चीज़ है, पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं अगर उनके बच्चों का कोई अता पता नहीं हो। तो उसका ब्रदर सीनू है, वो भी बहुत खुश होता है उसको देख के। फिर उसके अब्सेंस में उनको कितनी वरीड थे वो, ये सारी बातें करते हैं। और उसके बाद में चंद्रन जो है वो डिसाइड करता है कि अब उसको वापस से लाइफ स्टार्ट करनी है अपनी, और वो अपने यहाँ पे अंकल के यहाँ पे जाएगा और कुछ काम करेगा। अब यहाँ पे उसके फादर जो हैं वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, तुम एक एजेंसी, वो देखता है मालगुडी में कि द डेली मैसेंजर के नाम से कि वहाँ पे वैकेंट है जगह और वहाँ पे काम कर सकते हो। उसके अब वो अपने ब्रदर से बात करता है और वो मद्रास में जो रहते हैं और उनको उनकी हेल्प लेता है कि काम के लिए। ठीक है, चंद्रन चला जाता है मद्रास और उसमें जो है वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। अब चंद्रन वहाँ पे काम करते करते वहाँ पे अब उनके फादर को अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं सब कुछ सही हो रहा है उनकी लाइफ में। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेली मैसेंजर में काम कर रहे हैं, और एक बार क्या होता है कि मोहन जो है, मोहन से भी उसकी मुलाकात होती रहती है। अब मोहन भी उसकी सेम ऑफिस वहाँ पर काम करता है। और अब उसके फादर एक दिन वो जाते हैं चंद्रन के पास में और वो ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है, जयाराम अय्यर की बेटी का रिश्ता आया है तालापुर से। तो जो चंद्रन है वो बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसको ये चीज़ें हर्ट करती हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी मालती को याद करता है। लेकिन उसका जो फ्रेंड है मोहन, वो उसको एडवाइज़ करता है कि तुम्हें एटलीस्ट देखना चाहिए उसको और अपने फादर की बात का मना नहीं करना चाहिए। तो उनकी डॉटर का नाम होता है, मतलब जिस लड़की से रिश्ते की बात कर रहे हैं सुशीला।
तो जब वो देखने के लिए जाता है अपनी मदर के साथ में, तो वो इतना इम्प्रेस होता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ मालती के चक्कर में, मतलब इतना वो हो गया था, डिवोटेड हो गया था, लेकिन वो जब सुशीला को देखता है तो उसकी ब्यूटी उसके उससे भी फार बेटर होती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है वो उसे, और उसका जो स्वभाव है वो अच्छा लगता है। और चंद्रन अब डिसाइड कर लेता है कि वो सुशीला से शादी करेगा। अब सुशीला से वो शादी करने के लिए जब रेडी हो जाता है तो वो भी पढ़ाई कर रही है, जो सुशीला है अपने पेरेंट्स के पास में है, और उनका रिश्ता हो जाता है, और उसके बाद में वो एक दूसरे को रेगुलरली लेटर वगैरह लिखते रहते हैं। लेकिन अब कुछ टाइम से जो सुशीला थी वो उसको लेटर नहीं लिख रही थी, इसलिए एट द एंड जो चंद्रन है वो ये डिसाइड करता है कि मैं उससे मिलने जाऊँगा, मतलब उसको देखने के लिए जाऊँगा कि क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मोहन को वो कहता है कि तुम पीछे से जो एजेंसी है द डेली मैसेंजर, उसको देखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। इसी के साथ में ये नोवेल ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज़ 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 हिट द थम्सअप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट।